चले जी, हमने सोचा कि अभी हम लोगों ने चेक इन किया है मेरिडियन में, तो मैंने सोचा कि आपको ना सबसे पहले रूम टूर दूं, क्योंकि बच्चों के साथ होते हैं, लास्ट होटल में भी यही था। तो फिर ना सिचुएशन यह है कि अभी ना एंटर होते हैं जी, तो यहाँ से ना हमारे पास, यहाँ हम लोगों ने 3 रूम बुक किए हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी है कि एक रूम में 3 अडल्ट से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो हुसैन समेत अडल्ट से माशाल्लाह काम करते हैं, तो हम 9 हैं, 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले इस रूम में आप एंटर हो ना, एक ये हमारा कमरा है 346, तो यहाँ से आए तो इतनी सी जगह पर ना सबसे पहले तो इन्होंने ना यहाँ पे ये एक दी हुई है कबर्ड, ये लॉकर है, इसका लॉक अभी हम अपना सेट कर लेंगे पिन कोड लगा के। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स पिलोज वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं, और इसको अब इस तरीके से करेंगे हम बंद। और ये भी 5-स्टार होटल है, उसके आगे आ गए अंदर। तो ये है जी हमारा रूम, फर्स्ट रूम ये वाला है, ठीक है जी। और लाइट्स बड़ी अच्छी डिम डिम सी लाइट्स है। सबसे पहले इस तरफ देखें तो यहाँ पे जो है वो लैंप पड़ा हुआ, अच्छा इनकी ना हर चीज़ की जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट और अच्छी वाइब है। और यहाँ पे कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई है, उसके बाद ये सारे कॉफ़ी शॉर्ट्स, उसके बाद चाय का सारा सामान, कॉफ़ी का सामान, और साथ एक कैटल पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ भी लैंप है, और यहाँ पे ना कंसोल है, और नीचे ड्रॉअर्स है, और ये एक ना इन्होंने ड्रेसिंग टेबल बनाया है, यहाँ चेयर भी है अगर आपने तैयार होना है एनीथिंग जो भी आपको करना है। इस तरफ आए तो इस तरफ जो है ना डबल बेड एक लगा हुआ, ठीक है। ये वाला एक रूम हमारे पास है इस तरफ जी जी बेटे, यहाँ पे जो है ना LCD पड़ी है, और इसको खोलें तो यहाँ पे जो है ना एक मिनी फ्रिज पड़ी हुई है, और फ्रिज के अंदर भी पानी और ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल है। लेकिन ये जितने भी हम यूज़ करेंगे उसके चार्जेस हम लोग पे करेंगे। और यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ चिप्स वगैरह, स्नैक्स है, सब चीज़ें हैं, और रेट लिस्ट इन्होंने साथ लगाई है, जो चीज़ हम खाएंगे वो हम यहाँ से मिनी बार भी, हाँ जी, हम लोग ना उसको रिसेप्शन पे हमने कॉल वगैरह करनी हो। उसके बाद ये छोटा सा एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे सोफा पड़ा हुआ है, चेयर्स है, टेबल्स है, और मिरर है, यानी कि पूरा बड़ा अच्छा जो है ना वो क्लासी सा बेडरूम है, ठीक है। हाँ जी जी हाँ लोग, अच्छा जी यहाँ इस तरफ आए तो यहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम भी ना बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने वॉशरूम में पानी भर दिया, बड़ा जगह जो भी है, ये वहाँ डेंटल किट्स होगी, चीजें होगी, इस तरफ जो है ना बाथ टब और शावर एरिया जो है वो अलहदा है। अच्छा जी उसके बाद आए ना, मानो आप जो लो ना फिर जाके बाहर से खुलवाओ। उसके बाद यहाँ से आए ना, यहाँ से ये हमारा कमरा बंद होगा, और यहाँ से ना ये फिक्स ही बहुत जोर से हुआ है मेरे से। अच्छा वैसे हमारा दूसरी साइड से लॉक, दूसरी साइड से लॉक अंदर से जाओ, ले आओ उठा के लेके ले आओ, आज जाओ लेके आओ, लेके आज मैं इधर ही आ जाओ आ जाओ। यहाँ से आए ना, वैसे तो दरवाजा साथ है, मुझसे भी खुला तो, लेकिन जो है ना ये देखिए यहाँ आ गया, अभी कार्ड्स वगैरह का शांत है, यहाँ से ये खुलेगा, ये तो फिर मेरे से ना खुल नहीं रही है, बार लिया पता लग गया। ये हमारे पास ना एक स्वीट रूम है, हाँ जी कनेक्टेड है, यहाँ भी एज इट इज लॉकर हो गया, ब्लैंकेट्स एक्स्ट्रा हो गए, सब चीजें हो गई, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से सामान सारा आया पड़ा। असल में ना हुआ ये है कि अब शॉपर्स इसलिए बने थे हमारे बैग पैक सी, अब हम ना सारे कबर्ड्स में एडजस्ट करेंगे क्योंकि इस तरह से अभी वो रख गए हैं। हुआ यह है कि अभी हम ना चप्पल्स वगैरह पहन के आ गए हैं, और एहराम वाले जितने एहराम तो खैर हमने वहीं पे जो है ना डोनेट कर दिए थे, वहीं रख दिए थे। इसमें अब हमारी जैकेट्स कोट, क्योंकि स्पेन से हम बहुत गर्म कपड़े पहन के आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे। इस रूम में भी एज इट इज़ जो है ना वो कॉफ़ी मशीन है, उसके साथ चाय की सब चीज़ें, और ये ना कॉफ़ी शॉर्ट्स हैं कि बस इसके अंदर रखेंगे और कॉफ़ी बन जाएगी, कॉफ़ी के कप चपीतों चपीतों से हैं बारह। और इधर जो है इस कमरे में सिंगल सिंगल दो बेड लगे हुए हैं, इसी तरह से यहाँ भी स्नैक्स पड़े हैं, सब चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ना वो मिनी फ्रिज है, सेम एज इट इज़ है, और इसी तरह सेम सिटिंग एरिया, बस ये फ़र्क है कि यहाँ जो है ना सिंगल बेड जो है वो दो लगे हैं, और इस तरफ भी जो है ना हमारा वही वॉशरूम है, कमोड्स हो गए, इसी तरह से शावर एरिया और सब चीज़ें। अच्छा जी थर्ड, अच्छा उन्होंने वेट मशीन भी रखी हुई सुबह सुबह उठ के, तो अपना वजन तो कर लो।
बहरहाल यहाँ खा भी हम ठीक ही रहे हैं, खाने शाने ट्राई हम करते हैं सारे। वैसे इधर से भी ये कनेक्टेड था ये वाला निशान ना, ये कनेक्टेड नहीं, ये कनेक्टेड नहीं ना किया हाँ। असल में ये कनेक्टेड होके रूम हमें मिले ना तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। इन्होंने ये छोड़ के ना उसके साथ वाला दिया है, तो चल के वो भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ अभी यहाँ इस कमरे में सामान है, लेकिन अभी हम ना जिस जिस कमरे में जो जो रहेगा ना, हम उस हिसाब से जो है ना उनका सामान जो है ना वो कर देंगे एडजस्ट। अच्छा ये दरमियान में कुछ और है, हालांकि देखा जाए तो कनेक्टेड यही कमरा होना था। यही है शायद, यही है। आ जाए ये कार्ड अपने रूम का ही लगा हुआ। अच्छा जफर कनेक्टेड ही है ये भी, लेकिन बंद है ना वो, लेकिन दरमियान में इमरजेंसी एग्जिट है ना हाँ। इसलिए चले यहाँ भी आए तो ये थोड़ा सा रूम डिफरेंट है। यहाँ पे इस तरफ जो है ये मिरर लगा हुआ है, आपने कोई अब यहाँ का क्या हराम वाला नहीं है, एक शीशा नहीं देखना इसलिए यहाँ शीशे ज्यादा है। और उसके बाद इसी तरह यहाँ भी एज इट इज कबर्ड लॉकर सब कुछ, हम क्योंकि बाहर जाए ना तो फिर इसको लॉक फिक्स करके अपने फोन कीमती चीजें इसमें रख जाते हैं, साथ में लेके जाते हैं। और जो जो अब इस चीज कमरे में रहेगा ना कबर्ड, उस हिसाब से ना एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ चप्पल्स पड़ी हुई है हर रूम में, आयरन स्टैंड और आयरन भी लगी हुई है हर रूम में। ये उसके बाद सेम एज इट इज हर कमरा ऑलमोस्ट सेम है, वही सब चीजें यहाँ भी है, ड्रेसिंग टेबल है, एलसीडी है, और यहाँ पे भी इस कमरे में भी डबल बेड है और साथ सिटिंग एरिया बना हुआ है। और इसकी मैं जरा फ्रिज चेक करूँ इसके अंदर इन्होंने क्या वही पानी और ड्रिंक्स हैं, ड्रॉर्स में कुछ है चेकिंग की सारी कर ली। चले अच्छा मक्का में एक मजा बहुत ज्यादा था वो ये था कि हर वक्त जो है ना वो लाइव काबा का जितना भी तवाफ था जो चीजें थी ना वो चलती रहती थी। अच्छा यहाँ सिटिंग एरिया आ गया, और यहाँ वॉशरूम है ना, वॉशरूम भी सेम ही है इनके। अच्छा ये है डेंटल किट्स हो गई, और उसके बाद बॉडी वॉश शैम्पू हर चीज रखी हुई है, और बाथटब लगे हुए, और यहाँ ना बाथरूम भी इन्होंने ना लटकाए हुए हैं। बहुत लोग वैसे ये नहा के यूज कर लेते हैं, लेकिन हम इतने अच्छे नहीं है हमने यूज करें। तो बालाजी ये है हमारे तीनों कमरे, बेसिकली हमारे कमरे, हम लोगों ने ना यहाँ भी स्वीट ही बुक की है कि हमारे तीनों कमरे कनेक्टेड है, लेकिन जो तीसरा कमरा है ना इसका ये हुआ कि दरमियान में इमरजेंसी एग्जिट आ गई है। तो बाल कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये होटल आपने इससे पहले जो है ना देखा है, पीछे मैरियट था या मेरिडियन है, लेकिन उसमें और इसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसकी वाइब उससे ज्यादा अच्छी है। और लेकिन ये है कि माशाल्लाह कमरे साफ सुथरे, ब्लैंकेट बिस्तर बहुत अच्छे हैं। तो चलें जी अभी जो है ना हमारा रूम टूर मैंने आपको सारा दे दिया, और बाकी अब मजीद वीडियो कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या मदीना में हमने करना है जो जो भी होगा वो हम आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। आपने ये चॉकलेट देखो ना आते यहाँ इंजॉय हो रहे हैं रूम सर्विसेज से। असल में आज पता नहीं डेरी सर नहीं बैठी रही है, इसने पूरे रास्ते में कुछ नहीं खाया, चार घंटे के ऑलमोस्ट ड्राइव थी। अच्छी खबर यह है कि हमारे जो रूम्स है ना, अच्छा दरमियान में से लग रहा था जैसे इमरजेंसी एग्जिट टाइप है ना, लेकिन नहीं है, हमारे तीनों रूम्स जो है ना वो माशाल्लाह कनेक्टेड हो गया। फर्स्ट रूम यहाँ है, फिर हमारा सेकंड रूम यहाँ है, उसके बाद जो है ना हमारा थर्ड रूम वहाँ है। तो यह है कि हमारे सारे जो कमरे हैं ना वो आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। मैं चेक ये करने आई थी, हाँ सब में आयरन स्टैंड और आयरन लगी हुई है यहाँ, ये चलो अच्छी फैसिलिटी है, अपने कपड़े आराम से प्रेस करें। अच्छा तो फिर एक और चीज दिखाएं कराएं, इन्होंने ना डोर्स के ऊपर, हम लोग तो खैर क्या बच्चों के साथ है, प्राइवेसी प्लीज ये बाहर लिखा, बाहर लिखा हुआ है मेकअप माई रूम प्लीज। अब हम जब बाहर जाएंगे ना तो हम ये लगा के जाया करेंगे, फिर इन्हें कॉल या मैसेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब ना नेटवर्क का सिम्स का काफी इशू है, डाटा ये काफी काफी लेते हैं लेकिन वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। तो बस अब जो है ना हम लोगों ने अपना सामान सारा कबर्ड्स में करना है अरेंज, अभी हम डिसाइड करेंगे कौन किस किस कमरे में रहेगा। तो बाकी ये था आज का रूम टूर, आई होप आपको हमारे कमरे अच्छे लगे होंगे। होटल टूर आप ऑलरेडी देख चुके हैं माशाल्लाह, इसकी सारी वाइब इंटीरियर हर चीज, गार्डन्स हर चीज आपने देखी है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा होटल और रूम्स और सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट बताती हूँ ताकि सबको आने वालों को आइडिया हो जाए। तो चलिए जी ये थी आज की वीडियो, अभी कुछ चाय कॉफी भी पियेंगे हम लोग, सामान संभालेंगे, रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट मदीना के व्लॉग आगे से कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्लॉग्स को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलेंगे आपसे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।